हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे सीगल इंडिया आईपीओ के बारे में। आप सभी को पता होगा कि आईपीओ क्लोज हो चुका है, अब इस आईपीओ का आना है अलॉटमेंट। तो गाइज इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ का अलॉटमेंट कहां आएगा, अलॉटमेंट कब और कहां चेक करें, किस टाइम तक देखने को मिल सकता है, आसानी से कैसे चेक करें, उसके साथ ही गाइज इस आईपीओ का जो करंट जीएमपी है कितना है और क्या इस आईपीओ में लॉस के चांसेस है या नहीं। एकम से आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग के बाद कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं, तो क्या इस आईपीओ में गेन मिल सकता है या नहीं, सब कुछ आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी जानकारी आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो चलिए अपने डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स से गाइस, इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो आज ही यानी 6 अगस्त को है, और अगर जो हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो वो 8 अगस्त को है। ठीक है, 401 का प्राइस बंड है, 5 की फेसिलिटी पे साइज है 1252 करोड़ का। ठीक है, यहां पे गाइस जो अलॉटमेंट 6 को आएगा वो आएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे। आपको हर बार बता रहा हूं मैं, लिंक्डइन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, ध्यान देना है कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे ही आएगा सबसे पहले अलॉटमेंट, तभी आप बीएससी या किसी और वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, अदरवाइज वहां पे आपको डेटा नॉट फाउंड बताएगा। तो बीएससी पे और कहीं दूसरी जगह चेक मत करने जाओ, जब तक यहां नहीं आएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे तब तक आपको पता नहीं चलेगा अलॉटमेंट कहीं और भी। ठीक है, अब अलॉटमेंट के टाइम की बात रह गई, तो लिंक्डइन टाइम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो टाइम से देने का नहीं रहा है। अभी आप रिसेंटली एकम आईपीओ का अलॉटमेंट देख लो, 12:36 पे हमने शेयर किया था, 12:35 पे मेरे ख्याल से आया था, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट शेयर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपको रात को 12 से आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिला था, रजिस्ट्रार है लिंक्डइन टाइम। इसके पहले की बात गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे सनस्टार आईपीओ का अलॉटमेंट आया था 2:20 के आसपास, ठीक है, रात को 2:20 पे और 2:24 पे हमने साझा किया है। ठीक है, तो आप इसका भी रजिस्ट्रार देख सकते हो लिंक्डइन टाइम, एमक्योर का भी देख सकते हो लिंक्डइन टाइम और 1:41 पे। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गाइस कोई फिक्स टाइम नहीं होता है आईपीओ के अलॉटमेंट आने का, 8 के बाद या मान लो 8:30 के बाद कभी भी अलॉटमेंट आ सकता है। ठीक है, खासकर लिंक्डइन टाइम और केफिन का जो होता है वो लेट ही होता है, और इसमें लिंक्डइन टाइम का सबसे ज्यादा रात को 1:00 2:00 कई बार अगले दिन भी दे देते हैं अगर जो मार्केट में आईपीओ एक साथ ज्यादा हो तो। ठीक है, तो यहां पे गाइस सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ कि आपको अलॉटमेंट जैसे ही आए हम अपडेट कर दें कि भाई अलॉटमेंट आ गया है। आप बार बार जाओ इसकी वेबसाइट पे चेक करो, इसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, ये लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट है, आप यहाँ भी देख सकते हो या फिर गूगल पे फाइंड करोगे मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे बार बार जाओ, चेक करो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, इससे बेहतर इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। यहाँ पे इस तरीके से जैकपॉट बैंक निफ्टी के कॉल्स के लेवल्स के साथ साथ इस तरीके से आप बढ़िया शॉर्ट टर्म लेवल्स स्विंग लेवल्स का भी फायदा उठाओ और साथ में अलॉटमेंट का तो पता चली जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे मिल जाएगा आपको। एंड गाइस, अगर जो आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए और अलॉटमेंट का ही सिर्फ चाहिए, तो गाइस आपको न्यूज चैनल पे भी हम अलॉटमेंट का बताते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी बताते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूज चैनल का जहां आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, अलॉटमेंट के अलावा मार्केट की आईपीओ की सारी न्यूज आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, 2 पे लिंक और 3 पे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, वहां भी बता देते हैं। ठीक है, तो गाइस अब यहां पे जो नए लोग हैं उनको अलॉटमेंट चेक करना नहीं आता होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो हमने अलॉटमेंट का लिंक आपको दिया कि भाई अलॉटमेंट आ गया है, लिंक्डइन टाइम का लिंक देंगे सेम ऐसा ही लिंक रहेगा, इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको इस तरीके से एक वेबसाइट खुलती हुई दिख जाएगी। ठीक है, यहां पे आपको करना है इस पे क्लिक, सेलेक्ट कंपनी पे, सेलेक्ट कंपनी पे जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से नाम खुल के आ जाएगा। इस टाइम तो मान लो सती पॉलीप्लास्ट आ रहा है क्योंकि मैंने एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, बट जब आप आईपीओ का अलॉटमेंट आने के बाद चेक कर रहे होगे तो उस टाइम में आपके सामने सीगल इंडिया का नाम दिख जाएगा अलॉटमेंट आने के बाद। आप लोग कमेंट करते हो कि नाम नहीं दिख रहा है, जब अलॉटमेंट आ जाएगा तब नाम दिखता है। ठीक है, तो उस टाइम में सीगल इंडिया आप चूज कर लोगे, इस तरीके से जैसे यहां सती पॉलीप्लास्ट चूज है वैसे सीगल इंडिया चूज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे पैन कार्ड पे ऑलरेडी क्लिक रहेगा, नहीं रहेगा तो आप यहां पे कर सकते हो, पैन कार्ड पे ही क्लिक करना है आपको, यहां पे आपको पैन नंबर अपना डालना, उसके बाद ये सबमिट पे क्लिक करते ही आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं पता चल जाएगा। इस तरीके से सीगल इंडिया लिमिटेड आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा कि भाई मिला या नहीं मिला। सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने कोई नंबर है लॉट साइज के हिसाब से, जैसे 37 मतलब एक लॉट मिला, इसका मल्टीपल 2 यानी कि 2 मिला, सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने। ठीक है, और जो सिक्योरिटी अप्लाइड के सामने है मतलब कि आपने वो अप्लाई किया, और सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने 0 है, दैट मींस कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है। ठीक,
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब बचा गाइस इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो करंट में इसकी डिमांड हमें थोड़ी सी बढ़ती दिखी है। इसका जो जीएमपी है वो हमें 26 रुपीज तक ज्यादा दिख रहा है, इसके पहले 20-22 तक सिमट गया था, ठीक है, फिर अभी 22 से बढ़ के 25-26 के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके अराउंड 6% से ज्यादा गेन अप्रोक्सीमेटली होता है। तो अगर जो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो इस चीज को पॉजिटिव मान सकते हो। जैसे ओला आईपीओ का नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, ओला आईपीओ की जो क्लोजिंग एनालिसिस है ना, अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, कितने हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो के बाद आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। सब कुछ उसमें मैंने ओला आईपीओ और बाकी रिसेंट जो आईपीओ ओपन है उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने सारी चीजें आई होप आपको बता दी है, अगर जो चीजें आपको क्लियर है तो बिल्कुल सपोर्ट दिखाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, करते रहो, थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीवन एंड बाय बाय फॉर नाउ।